दोस्तों सिंघम अगेन की हाइप देखने के बाद जब एटली कुमार का काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आया है और भाई साहब यहां पर एटली कुमार ने ये बोला है कि सिंघम जो फ्रेंचाइज है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और रोहित शेट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं और उनकी डायरेक्शन के हर कोई फ़ैन है, चाहे वो साउथ के अंदर हो चाहे वो यहाँ पर जो कि बॉलीवुड के अंदर हो। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर रोहित शेट्टी की जो यहाँ पर कॉप यूनिवर्स है वो अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई साहब ट्रेंड के अंदर रहता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि सिंघम अगेन की जो शूटिंग है वो यहाँ पर ज़ोरों शोरों से होती हुई देखने को मिल रही है। रोहित शेट्टी जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये जो है वो अपडेट्स देते हुए भी देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर एटली कुमार ये बोलते हुए देखने को मिले हैं कि सिंघम अगेन बहुत ही बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पर रोहित शेट्टी की जो कि यहाँ पर ये फर्स्ट मूवी बनती हुई देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े रिकॉर्ड्स ऑल टाइम जो कि यहाँ पर तबाही मचाती हुई देखने को मिलेगी। रोहित शेट्टी की काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आई हैं जो कि यहाँ पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिंघम अगेन के अंदर वो पावर होगी जो कि यहाँ पर आज तक किसी मूवी के अंदर नहीं देखने को मिली होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिंघम की जो फ्रेंचाइज है या फिर कॉप यूनिवर्स की जो फ्रेंचाइज है रोहित शेट्टी की, वो यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल हाइप के ऊपर होती है, एक नेक्स्ट लेवल क्रेज अपने जो कि जनून पैदा कर देती है पब्लिक के अंदर। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो भाई साहब अभी भी जो यहाँ पर रोहित शेट्टी की पब्लिक है, अजय पाजी की पब्लिक है, बॉस अजय की पब्लिक है, वो काफ़ी ज़्यादा उतावली होती हुई देखने को मिल रही है सिंघम अगेन को देखने के लिए, सिंघम अगेन की जो कि अपडेट जानने के लिए पब्लिक चाहती है कोई ना कोई ग्लिम्स हो या फिर जो कि कुछ ना कुछ तो हमको देखने को मिले सिंघम अगेन के बारे में। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर शूटिंग की अपडेट्स आती हुई देखने को मिल रही है, कल जो कि हैदराबाद के अंदर शूटिंग होती हुई देखने को मिली थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की जो कि यहाँ पर तबाही की गई है रोहित शेट्टी की तरफ से, तो ये काफ़ी बढ़िया जो कि तेज़ी से काम होता हुआ देखने को मिला है सिंघम अगेन का। सिंघम अगेन जो कि बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती हुई देखने को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो कि सिंघम अगेन का पाला पुष्पा 2 से बना है जो कि अल्लू अर्जुन की मूवी है, और भाई साहब इन दोनों का क्लैश जो कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्लैश होगा बॉलीवुड और साउथ का। अब देखते हैं क्या सीन्स होते हैं, किस लेवल के सीनरी देखते हैं दोनों जो कि यहाँ पर फ्रेंचाइज है, एक पुष्पा की फ्रेंचाइज है दूसरी जो कि यहाँ पर सिंघम की फ्रेंचाइज है। अब देखते हैं क्या सीन्स होते हैं, किस लेवल की जो कि यहाँ पर तबाही मचाती है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है, ये सब देखना बाकी है। वैसे आप कौन सी मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सिंघम अगेन जीतेगी या फिर पुष्पा, कौन सबसे ज़्यादा अच्छी कलेक्शन करेगी ये जो कमेंट सेक्शन बता दीजिए। वैसे आपको क्या ख्याल है कि भाई साहब सिंघम अगेन जो है वो यहाँ पर कितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है ये जो कि आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी अजय बाजी के फैंस वीडियो को लाइक करके, जिनको सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, और यहाँ पर सिंघम अगेन के बारे में और ज्यादा अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम यहाँ पर हर एक अपडेट आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्ण राधे राधे दोस्तों।